अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अनस बिन डॉक्टर मोहम्मद अकरम, जिनका मौजू है मोहब्बत मुस्तफ़ा। करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल नबीजु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सामईन महतरम और मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने वाला हूँ वो है मोहब्बत मुस्तफ़ा। हजरात, तारीख़ इस्लाम में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब आप सल्लम के जान निसारों ने मोहब्बत मुस्तफ़ा की राह में रुकावट बनने वाली हर चीज़ को हकारत की नज़र से ठुकरा कर मोहब्बत मुस्तफ़ा का हक अदा कर दिया। हजरात आइए गौर कीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन सर ज़मीन मदीना में अपने घर तशरीफ़ फरमा थे कि आपका साहिबजादा अर्ज़ करता है, ऐ अबू जान, मैदान बदर में जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुशरिकीन मक्का के खिलाफ लड़ रहे थे और मैं अभी इस्लाम ना कबूल करने की वजह से दुश्मनाने इस्लाम के लश्कर में था, दौरान जंग एक मौका पर आप मेरी तलवार की जद में आए लेकिन मैंने बाप होने की वजह से हमला ना किया। सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैदान बदर में तूने मुझे बाप होने की वजह से ना किया, रब्बे काबा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तुझे अपना बेटा समझकर कभी माफ ना करता, बल्कि सरवरे कायनात का दुश्मन समझकर तेरी गर्दन उड़ा देता। हजरात आइए बुखारी शरीफ की हदीस पर गौर करें, फरमान मुस्तफा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना रखे। मोहम्मद की जिस दिल में अल्फत ना होगी, मोहम्मद की जिस दिल में अल्फत ना होगी, समझ लो किस्मत में जन्नत ना होगी। भटकता रहा है भटकता रहेगा, भटकता रहा है भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसको अकीदत ना होगी। करे जो अतात मोहम्मद की दिल से, करे जो अतात मोहम्मद की दिल से, उसे पीरों मुर्शद की हाजत ना होगी। वस्सलाम।